बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग आज कोई नए नए एहसान फरामोश नहीं बने हैं, बल्कि एहसान फरामोश होने का इन लोगों का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। अब इन लोगों ने एक और घटिया हरकत की है। साल 1971 में जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। और ये पिक्चर्स उसी समय की है जब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सर और पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के ऊपर साइन किया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है और इस पिक्चर को लेकर पाकिस्तान आज भी कई बार ट्रॉल होता है और ये पिक्चर आज भी सोशल मीडिया के ऊपर कई बार शेयर होती है और वायरल होती है। अब जो ये पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर की पिक्चर है, सेम इसी दृश्य का बांग्लादेश में एक मेमोरियल बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी का नियाजी और इंडियन आर्म फोर्सेज के सभी ऑफिसर्स के यहाँ पर स्टैचूज थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते वक्त के सेम उसी पोजीशन में ये सारे स्टैचूज बनाए गए थे ताकि बांग्लादेश के जो भी लोग यहाँ पर इसको देखने आए उनको ये याद रहेगी जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था तो वो कैसा दृश्य था। लेकिन इस मेमोरियल को सम्मान कैसा देना, न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने इस मेमोरियल में जाकर वहां पर इंडियन आर्मी के जनरल्स के इन सारे स्टैचूज को तोड़ दिया है। इसके साथ ही भीड़ ने न सिर्फ स्टैचूज के ऊपर डंडे और रॉड्स मारकर हमला करके इनको न सिर्फ तोड़ दिया है बल्कि लाते मारकर इनका अपमान भी किया गया है। स्टैचूज के ऊपर हमला करने के साथ साथ यहाँ पर कई तरह के धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये सब देखकर इन लोगों को कोई क्यों ना इनको एहसान फरामोश बोलेगा। ये स्टैचूज उन लोगों के थे जिन्होंने इन लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान से इनको आजाद करवाया था। यहाँ पर बांग्लादेश के आम लोगों के लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश से इसी तरह की पिक्चर्स और विजुअल्स आएंगे तो भारत के अंदर बांग्लादेश के लिए नफरत और बढ़ेगी और बांग्लादेश के साथ भी इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि बांग्लादेश के जो एक कट्टरपंथी संगठन के लोग हैं वो अभी और आज ही भारत विरोधी हुए हैं क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। लेकिन बांग्लादेश में जमात इस्लामी और इनके जैसे और कई सारे कट्टरपंथी संगठन हैं जिनका भारत विरोध का बहुत ही लंबा इतिहास है। ये भारत के ऊपर हमला करके हमारे एरिया को छीनकर अखंड बांग्लादेश बनाने और भारत के झंडे का अपमान तो आज कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बांग्लादेश में काफी समय पहले हो गई थी। अभी 2-3 साल पहले ही 2021 में बांग्लादेश की आजादी को 50 साल पूरे हुए थे और इसको मनाने के लिए शेख हसीना सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था, मगर उस समय भी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बहुत ही हिंसक आंदोलन चला था। विरोध तो खैर विजिट से पहले ही स्टार्ट हो गया था। हफाजत इस्लामी और जमात इस्लामी संगठन ने आपस में कोऑर्डिनेट करके तब तक प्रोटेस्ट वहां पर जारी रखा जब तक प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में प्रेजेंट थे एंड उन प्रोटेस्ट में 13 बांग्लादेशी लोगों की जान गई थी और 40 से 50 घायल हुए थे। बांग्लादेश को कई जगह पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय प्रोटेस्ट कितने वायलेंट हो गए होंगे। और ये प्रोटेस्ट थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय बांग्लादेश जाकर फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन दी थी, 109 एम्बुलेंसेज दी थी, कई सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उनको फंडिंग दी थी। लेकिन बदले में क्या मिला, कट्टरपंथी लोगों ने तब भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत को खुलकर गालियां दी और अपशब्द बोले। बांग्लादेश के ये सारे लोग जितना भी भारत विरोध कर लें, लेकिन आज की डेट में ये काफी सारी चीजों के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर ही निर्भर है, इसलिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी भारत के सामने झुकते दिखाई दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल 14 से 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास का बायलेटरल ट्रेड होता है। इसमें से भारत बांग्लादेश को 12 से 13 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम 1-2 बिलियन डॉलर्स का ही सामान बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट होता है उसमें भी सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स और गारमेंट ही हैं। लेकिन बांग्लादेश जो 12-13 बिलियन डॉलर्स का सामान हमसे इंपोर्ट करता है वो बांग्लादेश को और किसी भी देश से नहीं मिलता है। आटे चावल से लेकर मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां, आयरन, स्टील, टी, कॉफी, शुगर, मसाले, केमिकल्स और खाने पीने का काफी सारा सामान आज की डेट में बांग्लादेश भारत से ही परचेज करता है। और जब ये बांग्लादेश के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे तो भारत ने सारा ट्रेड बांग्लादेश के साथ अचानक बंद कर दिया था। 1,300 ट्रक्स बॉर्डर के ऊपर खड़े हो गए थे। लगातार 2-3 दिन ट्रेड बंद रहने के कारण बांग्लादेश में काफी सारी चीजों की वहां पर शॉर्टेज हो गई थी, जिसके चलते बांग्लादेश के ट्रेडर्स लगातार भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच ट्रेड दोबारा से शुरू किया जाए। एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 2-3 दिन ट्रेड बंद रहने के बाद भारत सरकार ने लैंड बॉर्डर्स के जरिए बांग्लादेश के साथ ट्रेड को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अभी भी सरकार ने सभी ट्रक्स को बांग्लादेश क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फिलहाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाले ट्रक्स को ही बांग्लादेश भेजा जा रहा है, यानी कि खाने पीने की चीजों को प्रायोरिटी देकर भारत सरकार ने उन्हें पहले भेजा है ताकि बांग्लादेश के अंदर वहां पर फूड आइटम्स और खाने पीने की शॉर्टेज ना हो। और ये चीजें सबसे पहले खराब भी होती हैं, इसलिए भी बाकी जो स्टील, आयरन, केमिकल्स वगैरह ये जो नॉन एसेंशियल आइटम्स होती हैं जिनका इंडस्ट्रियल यूज होता है, इनके ट्रक्स को अभी भी नहीं छोड़ा गया है। बांग्लादेश में वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले भारत से हर रोज 1,000 ट्रक्स बांग्लादेश बॉर्डर में क्रॉस होते थे, और अब जब भारत को वापस से लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश के अंदर ठीक हो गई है, उसके बाद से इन ट्रक्स को वहां पर भेजा जाएगा।
अब जो ये 1300 ट्रक्स थे, ये तो खैर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट वायलेंट होने से पहले से लोडेड थे, लेकिन अब भारत के कई सारे ट्रांसपोर्टर्स खुद ही बांग्लादेश को अवॉइड कर रहे हैं और बांग्लादेश का नया लोड उठा ही नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर से याद आया कि शेख हसीना के भारत आने के बाद से बांग्लादेश में बांग्लादेश की पुलिस स्ट्राइक के ऊपर चली गई थी और यूनिफॉर्म नहीं पहन रही थी। ये जो बांग्लादेश के अंदर स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, हिंदूज के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ये सब भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी संभालने वाली पुलिस घर पर बैठ गई है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स के ऊपर कार्रवाई में 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 2-3 हजार लोग घायल हो गए थे। इसलिए शेख हसीना के भागने के बाद प्रोटेस्टर्स पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन पिछले कल बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश की पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग सक्सेसफुल रही और बांग्लादेश पुलिस ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है और वो यूनिफॉर्म पहनकर जल्दी ड्यूटी के ऊपर आ जाएंगे। अब माना जा रहा है कि सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों के मजबूत होने के बाद अब आशंका है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी घुस सकते हैं, एंड इस समय जो केओस बांग्लादेश में चल रहा है उसके चलते कई सारे रिफ्यूजीज के भारत में आने के भी चांसेस हैं। लैंड बॉर्डर्स के ऊपर तो बीएसएफ अलर्ट मोड के ऊपर आ गई है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में भी बोट्स की मदद से रिफ्यूजीज और आतंकी भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं, सेम वैसे जैसे 26/11 हमला हुआ था मुंबई वाला। इसलिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश बॉर्डर और सुंदरबन के तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड की तैनाती कर दी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की मैरीटाइम पेट्रोल बोट्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स की भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है ताकि भारत में कोई भी एंटर ना हो पाए। इसके साथ ही इंडियन नेवी को भी अलर्ट मोड के ऊपर कर दिया है। साल 1971 में युद्ध के दौरान बांग्लादेश से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में शरण लेने आ गए थे। कहा जाता है कि 90 लाख से भी ज्यादा उनमें से वापस चले गए थे, जबकि 8-10 लाख यहीं पर रह गए थे, लेकिन प्रिसाइज डेटा किसी के पास नहीं है। उस समय भी भारत के अंदर एक ह्यूज रिफ्यूजी क्राइसिस आ खड़ा हुआ था। इसलिए इस बार भारत सरकार सारे कदम काफी फूंक फूंक कर रख रही है और कोशिश कर रही है कि जो गलती रोहिंग्यास के समय हुई थी वैसी गलती दोबारा ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उस समय भी बीएसएफ की मुस्तैदी के बावजूद लाखों रोहिंग्यास बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर एंटर हो गए थे और आज देश के कोने कोने में। काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स के बांग्लादेशी हिंदूज को भी बीएसएफ ने भारत की सीमा में एंटर होने नहीं दिया। इसके अलावा जो बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय का काम देख रहे हैं मोहम्मद तुहीद हुसैन, उनकी तरफ से भारत और शेख हसीना को लेकर एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के भारत में रहने से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश हमेशा कोशिश करेगा कि उसके रिश्ते भारत के साथ अच्छे ही रहें। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश ने अपनी दूसरी आजादी देखी है। वैसे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन भारत की सरकार बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर ज्यादा कोई कमेंट अभी तक नहीं कर रही है। शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन वो देखना होगा कि वो कितने समय तक भारत में रहती हैं या भारत से किसी और देश में जाती हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आज जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सरकार को शेख हसीना को भारत में शरण देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से एक और न्यूज आ रही है कि बीएसएफ ने पिछले कल चांदनी चक बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर सेल्फ डिफेंस फायर में एक बांग्लादेश के नागरिक को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला नाम का यह बांग्लादेशी अपने कुछ साथियों के साथ स्मगलिंग करने के लिए भारत की सीमा में एंटर हो रहा था, यानी कि घुसने की कोशिश कर रहा था, और जब बीएसएफ के जवान ने इसको वार्निंग दी तो ये उल्टा उनके ऊपर ही साथियों के साथ मिलकर फायर कर रहा था, यानी कि हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसके सेल्फ डिफेंस में बीएसएफ के जवान ने फायर खोला और इस बांग्लादेशी को मार गिराया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।